हेलो दोस्तों। तो आज हम मेडुसा के बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअल में जो आपकी मेडुसा प्रो बॉक्स है हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, और पहले लेते हैं इसकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज। जो लोग यूएफआई इजीज़ अटैक यूज़ करते हैं उन लोगों को पता है कि एक्चुअल में डंप क्या होता है। तो नॉर्मली भाषा में, आम भाषा में बात करें तो डंप क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को इसमें से डंप क्या है एक्चुअल में? व्हाट इज डंप? नॉर्मली डंप किसको बोलते हैं हम लोग? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जानते होंगे जो डंप क्या है। नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक ईएमसी बनाई है एग्जाम्पल के लिए। इसके अंदर क्या है मैं लिख देता हूँ, ये ईएमसी आपकी नॉर्मली, ठीक है। ईएमसी के अंदर भी क्या है, कुछ पार्टीशंस हैं आपके। क्या है? ईएमसी के अंदर भी कुछ पार्टीशंस हैं आपके। ये जो ऊपर वाला पार्टीशन दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मली, हम जो यूएसबी फ्लैशिंग्स करते हैं वो इसके अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर? इसके अंदर स्टोर होती है। ये इसके अंदर क्या आएगा आपका? यूएसबी फ्लैशिंग्स, जो भी हम यूएसबी के साथ फ्लैश करते हैं, ठीक है। चाहे हम हमारे मोबाइल फोन में हैंग लोगों की प्रॉब्लम हो तो हमने यूएसबी केबल के साथ नॉर्मल डोंगल के साथ फ्लैश कर दिया, ठीक है, किसी फ्लैश टूल के साथ फ्लैश कर दिया। तो नॉर्मली जब भी हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल हैंग लोगो ही है, हैंग लोगो में हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं, मोबाइल फोन पावर ऑन हुआ तो ठीक है, वरना रिटर्न कर देते हैं। तो जो इसका ये दिख रहा है आपको, इसका नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बेस ऑफ ईएमसी। क्या बोलते हैं? बेस ऑफ ईएमसी। बेस ऑफ ईएमसी का मतलब क्या है कि एक्चुअल में आप लोगों का इसके अंदर, इसको बोलते हैं बेस ऑफ ईएमसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बेस ऑफ ईएमसी को ही हम एक्चुअल में डंप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डंप। बेस ऑफ ईएमसी ही कहलाती है आपकी एक्चुअल में डंप। जब भी हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे हैंग ऑन लोगो, रीस्टार्ट, वायरस, ठीक है, हम लोग उसको यूएसबी फ्लैश करते तो यहाँ पे फ्लैश होता है, ना कि यहाँ पे। अगर हमारे मोबाइल फोन के अंदर बेस ऑफ ईएमएमसी ही खराब हो, मतलब कि एक्चुअल में डंप फाइल ही खराब हो, तो हम कितनी बार भी उसको फ्लैश करेंगे वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना है कि जो बेस ऑफ ईएमसी क्या है उसको ही हम लोग डंप बोलते हैं। अब डंप के अंदर बहुत सारी फाइल्स आती है। क्या है? डंप के अंदर आपकी बहुत सारी फाइल्स आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं यहाँ पे डंप्स के लिए कुछ फाइल्स लिखता हूँ, ठीक है। तो पहली फाइल आप लोगों ने जाना होगा, कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जी हम डंप का बैकअप लेते हैं तो एक फाइल आती है जिसका नाम है exe-csd। सुना है ना? exe-csd। अब exe-csd क्या होता है एक्चुअल में? exe-csd है आपके मोबाइल फोन की पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशंस। क्या? पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या काम करता है एक्चुअल में? व्हाई नीड पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन? हमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही क्या है? तो जब भी हमारे मोबाइल फोन फर्स्ट बूट होता है, क्या होता है, जब भी हम मोबाइल फोन को फर्स्ट बूट करते हैं, तो आफ्टर फर्स्ट बूट जैसे ही हमने मोबाइल फोन का पावर बटन प्रेस किया, लोगो आता है, तो वो जो डिसाइड करता है वो हमारा चिपसेट डिसाइड करता है, ठीक है। चिपसेट कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल जैसे मीडियाटेक है, ठीक है, एसपीडी है, क्वालकॉम है, ये चिपसेट है। इनको डिसाइड करना होता है कि कौन सा पार्टीशन आपके मोबाइल फोन में फर्स्ट बूटिंग में आ गया है, या ठीक है, उसकी जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो exe-csd के अंदर होती है, ठीक है। नॉर्मली कोई भी मोबाइल फोन है, हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं, जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई लोगो आता है, सैमसंग का तो सैमसंग का लोगो आता है, ओप्पो है तो ओप्पो का लोगो आता है। तो वैसे ही जैसे ही हम सैमसंग पावर ऑन प्रेस किया, सैमसंग का लोगो आ गया, तो वो कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा आएगा? वो कर रहा है चिपसेट। इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव है आपकी नॉर्मली? वो सेव है exe-csd या पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बूट वन। अब ये बूट वन क्या है? बूट वन के अंदर होती है आपकी जीपीटी पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन। अब जीपीटी पार्टीशंस क्या है? हमारे मोबाइल फोन के अंदर जीयूआईडी पार्टीशंस होती हैं। जीयूआईडी पार्टीशन का मतलब ये है कि हम जब भी मोबाइल फोन को कॉन्फिगर करते हैं फर्स्ट बूटिंग के लिए या बूट करता है, तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्टीशंस है जिसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बूट वन है, तो बूट वन के अंदर हमें पता लगे जीपीडी पार्टीशन। आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो सिस्टम पार्टीशन या सिस्टम फाइल्स, ठीक है, आसान भाषा में। वैसे ही सेकंड पॉइंट है आपका बूट टू। अब बूट टू के अंदर क्या होता है? बूट टू के अंदर भी आपकी कुछ फर्मवेयर सेव होती है, ठीक है। इसको भी हम नॉर्मली सिस्टम फाइल्स बोलते हैं। सिस्टम फाइल्स बोलो या आप फर्मवेयर बोल सकते हो, ठीक है, दो चीज हो गई है। थर्ड है यूजर एरिया।
अब यूजर एरिया क्या है, यूजर एरिया यहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्या उसका डेटा सेव कर रहा है? तो नहीं, यूजर एरिया आपके ईएमसी के अंदर एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर आपकी यूजर डेटा रिलेटेड फाइल सेव हो सके। जब भी हम कोई भी मान लेते हैं फोटो सेव करते हैं तो हमारी ईएमसी एक तरीके, हमारी ईएमसी को नहीं पता होगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो इसलिए हमारी ईएमसी के अंदर एक पार्टीशन बनाया गया है जिसका नाम है यूजर एरिया, कि जो भी फोटोज है, वीडियोज है, गेम्स है, प्लेस आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं वो यूजर एरिया पार्टीशन के अंदर जाके सेव रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई फोटोज है तो बूट वन के अंदर जाके सेव हो जाएगी, तो क्या होगा, सिस्टम करप्ट हो जाएगा। हमारे मोबाइल फोन को यही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में ये फाइल कहाँ पे जाके सेव होनी। ठीक है, वो काम है डंप का। तो डंप क्या कर रहा है आपके, मैनेज कर रहा है आपकी ईएमसी के पार्टीशंस को। क्या कर रहा है यहाँ पे, मैनेज कर रहा है एक तरीके से आपकी ईएमसी के पार्टीशन को, कि कौन से पार्टीशन के अंदर कौन कौन सी फाइल्स को सेव होना है। तो ये हो गया हमारा डंप फाइल्स। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ ईएफएस फाइल्स के बारे में, कि ईएफएस क्या होता है, कैसे काम करता है नॉर्मली। ठीक है, सुना होगा ना आपने ईएफएस, व्हाई वी नीड ईएफएस, हमें ईएफएस की क्यों जरूरत है, कोई बताएगा आप लोगों में से, हमें ईएफएस फाइल की क्यों जरूरत है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होगा ईएफएस फाइल क्या है, कैसे काम करता है, क्यों नीड है हमें इसके। तो नॉर्मली अगर हम आम भाषा में बात करें, ईएफएस क्या है, यहाँ पे एक तरीके से आपकी मेमोरी है ईएफएस। ईएफएस बोले तो इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। क्या है ईएफएस, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फुल फॉर्म हो गई इसकी, इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। अब इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम क्या है, नॉर्मली हम लोग अपने मोबाइल फोन्स के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल्स की बात करते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल्स क्या होगी, जैसे कि आपका आईएमई नंबर, बेसमेंट नंबर, ठीक है, वाईफाई, ब्लूटूथ एड्रेस, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो ईएफएस फाइल सेव करता है। क्या करता है, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो ईएफएस फाइल स्टोर करके रखता है। ईएफएस फाइल का बैकअप लेना क्यों जरूरी है, अगर हम ईएमसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ईएमसी गलती से फॉर्मेट कर दिया है, तो हमारे पास उसके सिक्योरिटी का बैकअप होगा, तो हम ईएमसी रिप्लेस करके उसका सिक्योरिटी का बैकअप राइट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली हम फ्लैशिंग करते हैं, फ्लैशिंग के दौरान क्या होता है कि आईएमई नंबर चले गए, बेसमेंट चले गए, हम उसको बार बार फ्लैश करें लेकिन फिर भी वही हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारा जो ईएफएस फाइल है वो करप्ट हो गया है। ठीक है, ईएफएस फाइल क्या हो गया, करप्ट हो गया। ईएफएस के अंदर क्या क्या सेव होता है, लाइक आईएमई रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट आईएमई, सेकंड वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है, उसके बाद बेसबैंड। तो जब भी ये करप्ट होगा तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर आईएमई नंबर वगैरह आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो कभी भी कुछ भी करने से पहले आपको दो चीज का बैकअप लेना जरूरी है, फर्स्ट डंप और सेकंड ईएफएस, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत बार आप लोगों ने सुना है आरपीएम भी, आरपीएम भी, आरपीएम भी, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है एक्चुअल में। तो सबसे पहले आरपीएम भी को ही क्लियर कर लेते हैं, क्या है आरपीएम भी, बताइए कोई आप लोगों में से आरपीएम भी क्या बोलते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं कि आरपीएम भी क्या है। आरपीएम भी बहुत बार सुना भी होगा आपने ये वर्ड, अभी अगर आप काम कर रहे हैं तो हर एक जगह आपने यूट्यूब पे बहुत सुना होगा कि आरपीएम भी, आरपीएम भी, आरपीएम भी। क्या है एक्चुअल में आरपीएम भी, इसकी फुल फॉर्म है रीप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक, या ब्लॉक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ये क्या काम करता है, देखिए इसका आरपीएम भी ऐसा नहीं कि ओनली एक ही काम करता है, ये आरपीएम भी के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग बोलते हैं ईएमसी रिप्लेस करने के लिए मैं आरपीएम भी क्लीन करना है, तो जस्ट ऐसा नहीं है कि ओनली ईएमसी रिप्लेस करने के लिए ही आरपीएम भी का यूज करते हैं, और भी तो कोई काम होगा आरपीएम भी का। तो फर्स्ट जो मेन वर्क है आरपीएम भी का वो ये है कि आपकी आरपीएम भी के अंदर मोडम रिलेटेड फाइल्स है। क्या है मोडम रिलेटेड फाइल्स, मोडम रिलेटेड का मतलब क्या है कि हम भी जो भी अपने सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है, हमारा कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेव है, उनकी जो इन फाइल्स है उनको सेव करता है या इनको बचाता है हैकर से। क्या करता है,
उनको बचाता है आपको हैकर से। तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो आरपीएमबी के अंदर स्टोर होती है। कुछ हमारे नेटवर्क रिलेटेड फाइल्स है, कुछ ईएफएस रिलेटेड फाइल्स है जो हम वहां से बैकअप लेते हैं, लेकिन वहां से बैकअप होने के बावजूद भी कुछ ऐसी फाइल्स है जो स्किप हो जाती है, नहीं हो पाता है बैकअप। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मॉडम रिलेटेड फाइल्स या आरपीएमबी स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट है आरपीएमबी क्या काम करता है। एक आरपीएमबी हो गया कि नॉर्मली हम जब भी अपने मोबाइल फोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल्स, एक मिनट का टाइम लीजिए। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया, आरपीएमबी के अंदर एक और इंफॉर्मेशन सेव होती है। क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर लॉक लगे रहते हैं, राइट? पिन, पैटर्न, पासवर्ड सब लोग लगा के रखते हैं नॉर्मली मोबाइल फोन के अंदर। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, पिन, पैटर्न, पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं, आप मोबाइल फोन के अंदर लॉक्स लगाते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल फोन के अंदर एक लॉक लगाया, पिन लगाया, पिन को आप क्या करते हो, 10 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड डालते हो। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली वो टाइमिंग आ जाती है वहां पे, या आईफोन के अंदर डिसेबल हो जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फिर आप एक बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हो या रॉन्ग पैटर्न डालते हो, तो फिर क्या होता है, दोबारा डिसेबल हो जाता है। उस सभी की जो इन्फॉर्मेशन है, किसकी, आपका मोबाइल फोन कितनी बार पैटर्न डालने के, रॉन्ग पैटर्न डालने के बाद डिसेबल होगा, या कितनी बार रॉन्ग पैटर्न डालने के बाद उसको परमानेंटली डिसेबल होना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आरपीएमबी के अंदर सेव होती है। ठीक है, दो काम हो गए। थर्ड, ईएमसी रिप्लेस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ईएमसी रिप्लेस या चेंज या अपग्रेड करते हैं। तो उस टाइम में क्या है कि जब भी हम ईएमसी को रिप्लेस या चेंज करते हैं, तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है आपका कि हमें आरपीएमबी क्लीन करना है। तो वहां पे क्यों क्लीन करना है, ऐसा क्या है जो हमें आरपीएमबी क्लीन करके ही मिल सकता है? कुछ ऐसी चीजें तो होगी जो जो विदाउट आरपीएमबी क्लीन करे पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज है कि हमारी ईएमसी के अंदर कुछ ऐसे सिक्योरिटी कीज हैं। क्या हैं, कुछ ऐसी सिक्योरिटी कीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक ईएमसी है और ये हमारा एक सीपीयू है। ठीक है, क्या है, एक एक ईएमसी है और एक सीपीयू, मैं इसको ईएमसी यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, और ये क्या है, हमारा सीपीयू है। ईएमसी और सीपीयू अब कैसे काम कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, कई बार क्या करते हैं, जस्ट ईएमसी रिप्लेस करते हैं तो मोबाइल फोन हैंग ऑन लोगों पे आ जाता है, रीस्टार्ट होता है, या फास्ट बूट पे जाकर स्टक हो जाता है, या डायरेक्टली पोर्ट बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे सीपीयू के अंदर एक कोड है, क्या है, एक सिक्योरिटी कोड है जिसका नाम है SHA-256। क्या है, हमारी ईएमसी के अंदर एक कोड है जिसका नाम है SHA-256। ये कोड जब तक हमारी ईएमएमसी के साथ मैच नहीं होता है, क्या होता है, जब तक हमारी ईएमएमसी के साथ ये कोड मैच नहीं होगा, तब तक हम कितनी बार भी ईएमसी को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, तब तक हम कितनी बार भी इस ईएमसी को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जब तक ये कोड मैच नहीं होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं होंगे, ये दोनों कोड मैच होना जरूरी है। मैच होगा तब क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर ये नहीं पहचानेंगे तो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है, फास्टफूड मोड पे, रिकवरी मोड पे, स्टार्ट, ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को नोट डाउन कर रखना है हमेशा कि जब भी आप ईएमसी रिप्लेस करते हो तो हमें आरपीएमबी क्लीन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारी ईएमसी के और सीपीयू के अंदर एक कोड है जिसका नाम है SHA-256। ये जब तक हमारे सीपीयू के साथ या ईएमसी के साथ मैच नहीं होगा, तब तक हमारा मोबाइल फोन पावर ऑन या प्रॉपर तरीके से पावर ऑन नहीं होगा। तो आरपीएमबी क्या करता है, आरपीएमबी हमारे ईएमसी के अंदर एक यूनिवर्सल की प्रोग्राम कर देता है। यहाँ पे क्या करता है, आरपीएमबी हमारी ईएमसी के अंदर एक यूनिवर्सल की प्रोग्राम कर देता है। क्या करता है, यूनिवर्सल की। ये यूनिवर्सल की कैसे काम करती है, ये यूनिवर्सल की किसी भी सीपीयू के साथ बाय डिफॉल्ट मैच हो जाता है। यूनिवर्सल हम किसको बोलते हैं, नॉर्मली आम भाषा में भी, जो किसी के साथ भी मैच हो जाए। तो वैसे ही क्या है, इसके अंदर हमारी ईएमसी के अंदर एक ऐसी की प्रोग्राम कर दी जाती है जो कि यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल की जैसे ही प्रोग्राम होती है तो हमारा जो सीपीयू उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, एक्सेस देता है आने का। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पे आरपीएमबी
क्या काम कर रही है, एम से रिप्लेस करते हैं। इसमें जब हम क्लीन करते हैं तो उसके अंदर एक यूनिवर्सल की प्रोग्राम हो जाती है, जिससे हमारे ईएमसी के अंदर और हमारा सीपीयू उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, आरपीएम भी हम कौन सी ईएमसी का क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, आरपीएम भी हम जो क्लीन कर सकते हैं जस्ट फॉर सैमसंग ईएमसी का। किसका कर सकते हैं? ओनली सैमसंग ईएमसी का हम लोग आरपीएम भी अभी क्लीन कर सकते हैं। किसी अदर ईएमसी का आरपीएम भी अभी क्लीन करना किसी भी बॉक्स या डोंगल के अंदर अभी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आरपीएम भी हमें क्लीन करना है वो सैमसंग ईएमसी, और सैमसंग ईएमसी भी क्या है, आपकी एक तरीके से यूनिवर्सल ईएमसी है। क्या है? यूनिवर्सल ईएमसी है सैमसंग ईएमसी। यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आपकी यूनिवर्सल ईएमसी है। अब हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ रिपेयर करना है, ठीक है, सैमसंग ईएमसी की हेल्थ रिपेयर नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या काम करता है? नॉर्मली अगर हमें सैमसंग कंपनी की हेल्थ को रिपेयर करना है, मान लेते हैं ये एक हमारी ईएमसी है जो कि सैमसंग कंपनी की है। क्या है? सैमसंग कंपनी की ईएमसी है। अब अगर हमें सैमसंग कंपनी की ईएमसी की हेल्थ को रिपेयर करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? नॉर्मली हम किसी भी बॉक्स या डोंगल के साथ नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एफएफयू अपडेट कर देते हैं। क्या करते हैं? एफएफयू। अब ये एफएफयू क्या होता है? नॉर्मली एफएफयू का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे मोबाइल फोन की जो ईएमसी है, क्या है, ईएमसी है, ना कि हमारे मोबाइल फोन की फर्मवेयर की बात कर रहा हूँ। तो हमारे मोबाइल फोन की जो ईएमसी है उसका जो फर्मवेयर है, ठीक है, ईएमसी का फर्मवेयर, ना कि हमारे मोबाइल फोन का फर्मवेयर, हम लोग क्या करते हैं उस ईएमसी के फर्मवेयर को ही एक तरीके से फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल कर देते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल कर देते हैं या फ्लैश कर देते हैं। क्या करते हैं? फ्लैश कर देते हैं। एफएफयू जब हम फ्लैश करते हैं सैमसंग कंपनी के ईएमसी के अंदर, तो उससे क्या होता है कि हमारी ईएमसी का जो हेल्थ भी रिपेयर हो जाता है। सेकेंड, जो आरपीएम भी है वो भी क्लीन हो जाती है। कैसे करना है वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा कि कैसे करना है इन चीजों को। अभी जस्ट आप थ्योरी समझिए कि एक्चुअल में क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, पॉइंट नोटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले डंप फाइल के बारे में बात करी थी, बताइए डंप फाइल क्या होता है एक्चुअल में? बताया था ना, बेस ऑफ ईएमसी फर्मवेयर। अब बेस ऑफ ईएमसी फर्मवेयर है तो सही है, लेना क्यों जरूरी है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमें डंप फाइल का बैकअप लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे मैंने बताया था आपको पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जीपीटी इंफॉर्मेशन हो गई आपकी, ठीक है, यूजर एरिया पार्टीशन हो गए कुछ, ठीक है, सिस्टम फाइल्स हो गई, और क्या बैकअप जरूर करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे पास डंप फाइल का बैकअप नहीं होता है, हम नॉर्मली उसको योफाई या इजीजेटा या मेडुसा के साथ उसको फ्लैश कर देते हैं, लेकिन आफ्टर फ्लैशिंग भी वो एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं करता है। क्या करते हैं? नॉर्मली हमने फ्लैश किया, फ्लैश पूरा फ्लैश हो गया कंप्लीट, लेकिन हम अगर उसकी एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वहां पर ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमारी ईएमसी के अंदर ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हमारी ईएमसी के अंदर पता ही नहीं कौन से पार्टीशन को कहाँ पे जाके सेव होना है। ठीक है, हमारी ईएमसी के पार्टीशन को यही पता नहीं है कि कौन से पार्टीशन के अंदर जाके कौन सी फाइल्स को सेव होना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है, अब पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर डिसाइड करता है? आपके सीपीयू के ऊपर कि मीडियाटेक है, क्वालकॉम है या एसपीडी है। अगर हमारे मोबाइल फोन को ये इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं, हमारी ईएमसी को ये इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं कि उसके अंदर कौन सा चिपसेट है, तो क्या ये डिसाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैसे आपकी जीपीडी इन्फॉर्मेशन है, यूजर एरिया पार्टीशन है, सिस्टम फाइल्स है। अब यूजर एरिया पार्टीशन के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम ईएमसी को फैक्ट्री रिसेट करते हैं, नॉर्मली फैक्ट्री रिसेट करने के बाद फ्लैश किया हमने, आफ्टर फ्लैशिंग उसको जो यूजर एरिया पार्टीशन है उसको पता ही नहीं होता कि हमारी पूरी ईएमसी के अंदर उसका स्पेस कौन सा है। लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मली सा हमारा घर है, ऐसा तो नहीं हम किसी के भी घर में जाके रह लेते हैं, हमें पता ही नहीं कि ये हमारा घर है तो हमें यहीं पे जाना है, हम कहीं से भी आए कहीं पे भी जाना हो हमें। अगर मुझे ये पता है कि ये मेरा घर है तो मुझे यहीं पे जाना है, ना कि मैं किसी दूसरे घर में जाता हूँ क्या? तो वैसे ही हमारी फाइल्स का भी है कि अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरा घर कौन सा है तो मैं जाऊंगा कहाँ पे,
मैं किसी दूसरे के घर में डिस्प्ले एंटर कर जाऊंगा, किसी दूसरे के घर में चला जाऊं, तो क्या वो बता पाएगा कि मैं कौन हूं? नहीं ना। तो वैसे ही हमारा यूजर एरिया पार्टीशन भी है, ठीक है, कि जब तक मैं अपनी एक करेक्ट जगह पे नहीं जाऊंगा तब तक उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे डंप फाइल का बैकअप लेना भी जरूरी है, ठीक है। डंप फाइल का बैकअप और ईएफएस फाइल का बैकअप लेना 100% जरूरी है। जब तक आप इसका बैकअप नहीं लोगे तब तक आप लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली फ्लैशिंग के बाद एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है, तो उस टाइम पे आपको डंप का बैकअप लेना ना लेने के बराबर। लेकिन ईएफएस का बैकअप तो हर हालत में लेना है। डंप क्या है, नॉर्मली गूगल से आसानी से मिल जाता है, लेकिन ईएफएस का बैकअप गूगल से नहीं मिलता है, कोई भी लोग इसको अपलोड नहीं करते हैं। तो याद रखना है, डंप और ईएफएस का बैकअप आपको ऑलवेज लेना है, हर हालत में लेना, हर कंडीशन में लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से हम डंप फाइल का बैकअप ले सकते हैं और किस तरीके से हमें ईएफएस फाइल का बैकअप लेना है। तो सबसे पहले हम लोग मेडूसा प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को ईएमसी दिख रहा है, ईएमसी पे क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट हमें कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देना है, वेट करना है कुछ सेकंड्स। यहाँ पे ये लगी हुई है लिनोवो मोबाइल फोन्स के अंदर, ठीक है। MT6572 इसका सीपीयू नंबर है, ये इसका मॉडल नंबर डिस्प्ले कर रहा है आपको, और अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे ये एंड्रॉयड वर्जन को डिस्प्ले कर रहा है। और इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं हम लोग इसकी। यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, बूट पार्टीशन 1 इज इनेबल फॉर बूट, मतलब बूट पार्टीशन 1 है यहाँ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को लिख देता हूँ कौन से पार्टीशन के अंदर कौन कौन से चिपसेट का होना जरूरी है। जैसे हमारे पास MTK मोबाइल फोन होगा तो उसके अंदर आएगा बूट 1, SPD होगा तो उसके अंदर आएगा बूट 2, और क्वालकॉम होगा तो उसके अंदर आएगा नॉर्मली हमारा यूजर एरिया, या यूजर एरिया बोल दो या डेटा बोल दो आप, ठीक है। अगर ये खराब होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, इनकेस अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी ईएमसी के अंदर या हमारा मोबाइल फोन पावर ऑन नहीं होगा या लोगों पे नहीं आएगा, जस्ट ओनली वाइब्रेट करेगा कई बार, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पावर ऑन ही नहीं होगा। इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर भी है, या कई बार इवन डेड भी होता है हमारा मोबाइल फोन, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें चेक करते रहनी है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले डंप फाइल का बैकअप हमें कैसे लेना है। तो नॉर्मली आपको दिख रहा है यहाँ पे बूट एरिया पार्टीशन 1, जस्ट इस पे क्लिक करना है, उसके बाद रीड बटन पे क्लिक करना है, और जहाँ पे भी आपको इसको सेव कर रखना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेव नाम लिखता हूँ लिनोवो, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ लिखा नहीं हुआ कौन सा पार्टीशन, तो मैं यहाँ पे आके मेंशन कर देता हूँ बूट 1 सैमसंग EMC, सेव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बूट एरिया पार्टीशन 2, उसके बाद फिर रीड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बूट 2, ठीक है, फिर सेव कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजर एरिया पार्टीशन, ठीक है। तो यूजर एरिया पार्टीशन के हमें अंदर कितना लेना है, हमें मिनिमम टू मिनिमम 512 MB लेना है, आप उससे ऊपर ज्यादा ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 1024 MB लेता हूँ तो मतलब कितना हो गया, ये 1 GB हो गया। तो मैं यहाँ पे 1 GB का डंप ले सकता हूँ, यहाँ पे चाहूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैं 128 MB ले सकता हूँ। तो मिनिमम टू मिनिमम 128 लेना है, ऊपर आप कितना भी ले सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ 128 MB पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे कस्टम में 0 रहने देना है, और लेंथ में 128। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ से रीड बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इसके आगे मेंशन कर देते हैं यूजर एरिया, ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं उसको सेव, यहाँ से हमारा जो पार्टीशन है वो रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें किस तरीके से हम ईएफएस का बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो रीड होने का वेट करते हैं कुछ सेकंड्स। तो याद रखना है कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले, ईएमसी के ऊपर कुछ भी वर्क करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, डंप फाइल का बैकअप ले लेना, और सेकेंड ईएफएस फाइल का। उसके बाद आपको ईएमसी के ऊपर जो भी काम करना है आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डंप और ईएफएस का बैकअप होना मस्ट है। मस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। विद इन
1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा ये रीड, ऑलमोस्ट हो गया है अपना रीड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, डंप फाइल रेडी। डंप फाइल रेडी होने के बाद हमें चाहिए ईएफएस का बैकअप। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पार्टीशन मैनेजर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे रीड फ्रॉम डिवाइस करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर जाएगी। अब यहाँ पे एक मेन कंफ्यूजन ये होता है कि हमें कौन सी फाइल का बैकअप लेना है, कौन सी फाइल का बैकअप नहीं लेना। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हो तो आपको नहीं पता होगा कौन सी फाइल के अंदर हमारा ईएफएस है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि हमारी ईएफएस कौन कौन सी फाइल के अंदर सेव है। फर्स्ट प्रो इन्फो, एनवी रैम, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, उसके बाद आपका एफआरपी के अंदर भी कुछ फाइल्स होती है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वरना नहीं चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कैचे भी ले लेना है, और फ्लैश इन्फो तो लेना ही लेना है, और एक जीपीटी। ये सारी क्या है, हमारी ईएफएस की फाइल्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे आईएमईआर और बीसमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव रहती है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता स्टार्टिंग में कि मुझे कौन कौन से फाइल्स का बैकअप लेना है या नहीं लेना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिस्टम फाइल्स को छोड़कर, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिस्टम और यूजर डेटा को छोड़कर मैं सभी फाइल का बैकअप ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बैकअप ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से सिस्टम और यूजर डेटा को छोड़ दिया, और सभी फाइल को ऊपर मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। यहाँ से सेव पार्टीशन पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप लिनोवो, और यहाँ इसके अंदर भी एक फोल्डर बना देता हूँ मैं ईएफएस नाम का, ठीक है। और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको सिलेक्ट। तो ये क्या है, हमारा ईएफएस का बैकअप हो गया। अगर आपको पता है कौन कौन सी फाइल के अंदर होता है तो आप ले सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको नहीं पता तो हमें क्या करना है, सभी फाइल्स का बैकअप लेना है सिस्टम और यूजर डेटा को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैकअप स्टार्ट हो रहा है, कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा बैकअप लेने में, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हेल्थ कैसे चेक करनी है नॉर्मली, अगर हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम होगी तो कैसे रिपेयर करना है। याद रखना है कि जब भी हम किसी भी ईएमसी का हेल्थ रिपेयर करते हैं, ठीक है, चाहे वो सैमसंग हो, स्काईनिक्स हो, तोशिबा हो, माइक्रोन हो, कोई भी ईएमसी हो, तो हेल्थ रिपेयर करने से पहले हमें डंप और ईएफएस का बैकअप लेना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जब हम डंप और ईएफएस का बैकअप नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि हम नॉर्मली ईएमसी की हेल्थ को रिपेयर तो कर देते हैं, रिपेयर करने के बाद क्या होती है, हमारी ईएमसी बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। आफ्टर ब्लैंक अगर हम डंप गूगल से डाउनलोड करके भी फ्लैश कर देते हैं, मोबाइल फोन पावर ऑन भी हो जाता है, लेकिन हमारे मोबाइल फोन के अंदर आईएमईआई और बेसमैन अननोन रहता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डंप और ईएफएस का बैकअप हम पहले ही रेडी करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैकअप स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेता है कई बार ये बैकअप लेने में, ऑलमोस्ट बैकअप हमारा डन हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जब हम बैकअप ले लेते हैं तब क्या करना है, हमें हेल्थ चेक करनी है। अगर हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हेल्थ को रिपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसका पहले ही बैकअप ले लिया है। अगर हम डायरेक्टली हम चेक करते हैं कि हेल्थ में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम होने के बाद हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर क्या है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, तो हमें डंप और ईएफएस का बैकअप पहले ही ले लेना है। ईएमसी के अंदर कुछ भी काम करने से पहले आपको दो काम करना कंपलसरी है, ठीक है, इस बात का याद रखना है आपको। अभी देखो यहाँ पे कैचे फाइल का पार्टीशन का बैकअप चल रहा है, मतलब ये वाला फाइल, ठीक है। तो याद रखना है कभी भी ईएमसी के अंदर ईओफाई हो, इजीज अटैक हो, मेडूसा हो, कोई भी बॉक्स हो, काम करने से पहले डंप और ईएफएस का बैकअप लेना ही समझ लो 100% कंपलसरी है। इन केस अगर डंप का बैकअप नहीं है तो आप उसको स्किप कर दो, लेकिन ईएफएस का बैकअप तो लो, क्योंकि डंप हमें गूगल से मिल सकती है लेकिन ईएफएस नहीं मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बस। हम कुछ कंडीशंस में ईएमसी का डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं भी, एक बार जैसे इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं फिर चेक कर लेंगे कि डेटा रिकवरी क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है।
ऑलमोस्ट ये 91% तक हो गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारी जो फाइल्स है वो डन हो गई है। फाइल्स डन होने के बाद हम लोग एक बार डेटा रिकवरी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डेटा रिकवरी के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और कंटेंट एक्सट्रैक्टर। तो हमें कंटेंट एक्सट्रैक्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है रीड फ्रॉम डिवाइस फुल स्कैन। ये टाइम लेगा थोड़ा सा स्कैनिंग होने में, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं जिसको इसको स्कैन करना होता है। जब तक ये पार्टीशन स्कैन होता है फटाफट इस पार्टीशन को स्कैन हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी फाइल्स हो गई है। यहाँ पे देखिए सिस्टम आ गया, प्रोटेक्ट वन आ गया, प्रोटेक्ट टू आ गया। यहाँ पे एक यूजर डेटा का पार्टीशन आना भी जरूरी है। अगर यूजर डेटा का पार्टीशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है तो आप डेटा रिकवरी कर सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। अभी ने इसने 99% सर्च कर लिया है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अगर ये यूजर डेटा पार्टीशन को डिस्प्ले करता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर डेटा को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो बस वेट कर लेना है थोड़ा सा हमें। इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि इसका यूजर एरिया पार्टीशन डिस्प्ले करेगा। तो इसका अगर यूजर एरिया पार्टीशन डिस्प्ले करता है, अगर ये मुझे कोई दूसरी ईएमसी मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डेटा रिकवरी कर सकते हो। डेटा रिकवरी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन सभी मॉडल्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिस जिस मॉडल्स के अंदर पॉसिबल होगा सब उसके बारे में बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड 6.0 या 5.0 तक कर सकती हो। अगर कस्टमर का कहना है कि मुझे डेटा कंपलसरी डेटा चाहिए ही चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वैपिंग। स्वैपिंग कैसे, ईएमसी और सीपीयू दोनों को हम स्वैप कर सकते हैं सेम मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सीपीयू और ईएमसी को स्वैप कर सकते हैं सेम मदरबोर्ड के ऊपर विदाउट प्रोग्रामिंग। हमें प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें ईएमसी और सीपीयू उठाने हैं और दूसरे सेम मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स करके कस्टमर को दे। ठीक है, जिसमें इवन उसका पिन पैटर्न पासवर्ड सब कुछ एज इट इज सेव रहेगा। ठीक है, इस बात का याद रखना है। यहाँ पे देखिए हमारे अभी यूजर डेटा का पार्टीशन मिल गया है, चेक कर लेते हैं फटाफट। इसके अंदर कुछ पार्टीशन जैसे मीडिया जीरो, यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहा है, जैसे मोबाइल फोन के अंदर गैलरीज ओपन करते हैं सेम उसी तरीके से। तो हमें पता है डीसीएम के अंदर हमारी फोटोज होती है, चेक कर लेते हैं इसके अंदर कुछ है क्या। देखिए अभी डीसीएम के अंदर कुछ भी नहीं है। डाउनलोड्स के अंदर चेक कर लेते हैं, मूवीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके का आपको एरो डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशंस, अलार्म्स, रिंगटोन्स, पॉडकास्ट, म्यूजिक। एंड्रॉइड्स के अंदर देखे जैसे इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, मीडियाज, .com, गूगल्स। ये कुछ रिंगटोन्स होंगी, जैसे आपकी रिंगटोन्स वाली फाइल्स है जो आपकी मोबाइल फोन के अंदर ऑलमोस्ट होती है, स्क्रीनशॉट्स। अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा होता है ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल आसानी तरीके से देख सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा ट्रबल नहीं है। जैसे मैं डीसीएम पे क्लिक करूँगा, अगर इसके अंदर डेटा है तो कुछ इस तरीके का एरो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। एरो डिस्प्ले करने के बाद मैं आसानी से उसके अंदर चेक कर सकता हूँ क्या क्या डेटाज है अभी उसके अंदर एक्चुअल में सेव। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जीरो पे जाते हैं। जीरो पे जाने के बाद पिक्चर्स या स्क्रीनशॉट या डीसीएम जिसके अंदर भी आपकी फोटोज है, जैसे मेरी डीसीएम के अंदर होती है मुझे पता है। मैं डीसीएम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, एरो डिस्प्ले करना चाहिए। अगर एरो डिस्प्ले कर रहा है मतलब डेटा है उसके अंदर, इसलिए एरो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक, देख रहे थे कुछ शॉर्ट डिलीटेड फाइल्स, अगर ईएमसी के अंदर कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तब भी उसको रिकवर करना पॉसिबल है। देखो यहाँ पे शॉर्ट डिलीटेड फाइल्स, चेक करते हैं क्या क्या डिलीटेड है इसके अंदर। तो यहाँ पे डिलीटेड फाइल्स देख रहे हैं, यूजर डेटा, कुछ फाइल्स देख लेते हैं। जैसे डेटा है यहाँ पे, मैं डेटा पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये कुछ फाइल्स है आपकी। ठीक है,
और कुछ चेक करते हैं। ये सिस्टम्स के अंदर देखते हैं, यूजर्स 0, रजिस्टर्स, मतलब कि जो भी डेटा आज आप यहां से एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर ईएमसी के अंदर जो भी डेटा सेव होगा आप यहां से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसकी ईएमसी हेल्थ को। तो ईएमसी हेल्थ चेक करने के लिए हम लोग जाते हैं ईएमसी सर्विसेज के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हैं स्मार्ट रिपोर्ट। चेक करते हैं स्मार्ट रिपोर्ट क्या है, 22-30%। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कौन सी कंपनी की ईएमसी है एक्चुअल में। तो ये हमारी ईएमसी है सैमसंग कंपनी की। क्या है, सैमसंग कंपनी की ईएमसी। अगर हम नॉर्मली हेल्थ रिपेयर करने की बात करते हैं, नॉर्मली हमें पता है सैमसंग किसी अदर ईएमसी का अगर हेल्थ रिपेयर करना है हमें, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एचडब्ल्यू पार्टीशन क्लिक करना है, या सेट राइट टू रियल यूजर्स राइट टू EXDCSD पे हमें क्लिक कर देना है। लेकिन याद रखना है कि ऐसा करने से जस्ट ओनली स्काइनिक्स, तोशिबा, माइक्रोन, सेंडिक्स, बीविन, सैमसंग कंपनी की ईएमसी को छोड़कर आप सभी ईएमसी को इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो, लेकिन सैमसंग की ईएमसी रिपेयर नहीं होगी। हेल्थ रिपेयर करने से पहले डंप और ईएफएस का बैकअप लेना कंपलसरी है। फिर कनेक्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या हेल्थ रिपेयर हुई इसकी। तो मैं करता हूँ यहाँ से ईएमसी सर्विसेज स्मार्ट रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए हमारी ईएमसी हेल्थ क्या है, 0-22-30% है। नॉर्मली ईएमसी हेल्थ क्या होती है, 0-10% SLCV, मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन, और ये भी 0-10 होनी चाहिए। दोनों सेम होगी तभी नॉर्मल कंडीशन है। अगर इन दोनों में कहीं पे भी 0 से ऊपर है, 10-20 दिखा रहा है, 20-30 दिखा रहा है, 30-40 दिखा रहा है, तो वो एबनॉर्मल केसेस है। उस कंडीशन में आपको हेल्थ रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास सैमसंग कंपनी की ईएमसी है। इस ईएमसी का हम लोग एक बार पार्ट नंबर चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर मतलब क्या, उस ईएमसी के ऊपर जो नंबर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चेक करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ रहा है जस्ट R821MB बस। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। तो हम अपनी ईएमसी के ऊपर जो हमारा नंबर होता है हम उसको चेक कर लेंगे, ईएमसी के ऊपर क्या पार्ट नंबर मेंशन किया गया है। तो हमारी ईएमसी के ऊपर जो पार्ट नंबर है वो है, जो भी नंबर स्टार्ट होगा, अगर सैमसंग कंपनी की ईएमसी है तो हमें पता है KM से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ईएमसी का नंबर है वो है KMR8। मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ इसको, KMR8, KMR8 2001M, 2001M। B609, B609, ये कौन सी कंपनी की EMC है, सैमसंग कंपनी की EMC है। अभी क्या करना है, हमें इसकी हेल्थ को भी रिपेयर करना है। मैंने क्या बताया था अभी आपके थ्योरी क्लासेस के अंदर, कि जब भी हम सैमसंग कंपनी की ईएमसी की हेल्थ को रिपेयर करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आरपीएम भी क्लीन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी हम ईएमसी की हेल्थ को रिपेयर करेंगे या आरपीएम भी क्लीन करेंगे, तो सैमसंग कंपनी की जैसे ही हम हेल्थ को रिपेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आरपीएम भी क्लीन हो जाती है। या हम आरपीएम भी क्लीन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हेल्थ क्लीन हो जाएगा। तो कैसे करना है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ईएमसी फ्रॉम वेयर, जस्ट हमें इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट ईएमसी है, इसके ऊपर हम लोग अपना पार्ट नंबर चेक कर लेते हैं। हमारा पार्ट नंबर है KMR8, चेक करते हैं KMR8। यहाँ पे देखिए KMRH है, हमें क्या चाहिए, KMR8 नहीं है, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड यूजर ईएमसी फ्रॉम वेयर, इस पे क्लिक करना है। वेट करते हैं, इनके सर्वर से हमें क्या है कुछ फाइल्स मिल जाएगी, चेक कर लेंगे इनके सर्वर पे क्या वो फाइल्स हैं। अगर फाइल है तो अच्छी बात है। जैसे हमें चाहिए KMR8, चेक करते हैं KMR8, KMR8, KM3H, KMDG, KMR8, KMD, KMD, KMF, KMG, KMG, KMK, KMQ, KMQ,
क्यू एन KMR2 है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए? KMR8 चाहिए, R2, R3, KMR8 फिर 2 चाहिए। यहाँ पे क्या है? KMR8X है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? हमें क्या चाहिए? KMR8 2। KMR8 नहीं है, ना इसकी सर्वर पे मिला हमें, ना ही हमें नॉर्मली यहाँ पे मिल पाया। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? मैं बताऊंगा आपको एक छोटा सा तरीका। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रीड ईएमसी फ्रॉम वेयर, जो ईएमसी का जो फाइल है हम लोग क्या करेंगे उसी को रीड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से R28MB लिख के यहाँ पे पार्ट नंबर लिख देता हूँ, KMR8 2 1 000 1 MB 609। ठीक है, ये हो गया है। इसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर लिनोवो के अंदर, आप चाहो तो यहाँ पे सेव कर लो, कहीं पे कर लो, कोई इश्यू नहीं। मैंने कर दिया इसको सेव। अभी भी हमारी ईएमसी की हेल्थ कितनी है? 22-30%। रीडिंग कर लेने देते हैं इसको एक बार। रीड ईएमसी फ्रॉम वेयर एरर अननोन फॉर्मेट, कोई बात नहीं, इसको कैंसिल करना है अगर इस तरीके का एरर देखने को मिलता है हमें तो। कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। जस्ट हमें क्या करना है, एक बार कैंसिल करके रिकनेक्ट कर ले। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक किया हमने, वेट कर लेते हैं। ये गेट मेजरमेंट एरर रिलोडिंग, ये कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉक्स का स्टेटस है वो नॉट कनेक्टेड आ गया, इसलिए हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो जस्ट हमें क्या करना है, एक बार रिकनेक्ट कर लेना है बॉक्स को। यहाँ पे टाइप करना है फिर मेडूसा ओपन, यस, ठीक है, हमारा कनेक्ट हो गया। फिर कनेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक, इसका जाना है दोबारा हमें ईएमसी सर्विसेज के ऊपर, ईएमसी फ्रॉम वेयर, रीड ईएमसी फ्रॉम वेयर, जो भी हमारा पार्ट नंबर है मैं उस पार्ट नंबर को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे करना है मेरे को, लिनोवो फोल्डर के अंदर करना है, और यहाँ से मैं मेंशन करता हूँ अपना KMR8 2 1 2 3 1 M B609 B609। सेव कर लेते हैं हम जस्ट यहाँ से इसको एक बार। रीडिंग ईएमसी फ्रॉम वेयर रिकनेक्टेड, रीडिंग फ्रॉम वेयर प्लीज वेट, थोड़ा सा टाइम लेगा। रीडिंग फ्रॉम वेयर प्लीज वेट, रीड ईएमसी फ्रॉम वेयर एरर अननोन फॉर्मेट डिसकनेक्टेड। बार बार क्या है ये अननोन फॉर्मेट बोल रहे हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, जस्ट जो हमारा पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर की जगह हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट कोड डाल देंगे। प्रोडक्ट कोड का मतलब क्या हो गया, रीड ईएमसी फ्रॉम वेयर किया हमने, जहां पे भी आपको सेव करने से, यहाँ पे ये R281 MB है ना, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको कर देते हैं हम यहाँ से सेव। ठीक है, अब क्या किया हमने, उसका पार्ट नंबर के साथ कोई भी छिड़खानी नहीं की है, जस्ट जो उसका प्रोडक्ट कोड है वो रहने दिया है हमने। और चेक कर लेते हैं रीड फ्रॉम वेयर करता है या नहीं करता है। रीड ईएमसी फ्रॉम वेयर एरर अननोन फॉर्मेट क्या है, बार बार ये अननोन फॉर्मेट बोल रहे हैं। अननोन फॉर्मेट का मतलब ये है कि जो ये ईएमसी है ना, ये इस बॉक्स के साथ अभी सपोर्ट नहीं कर रही है, इसका फर्मवेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये एरर बार बार आपको डिस्प्ले कर रहा है। मैं कोई दूसरी ईएमसी लगा के दिखाता हूँ आपको एक बार। मैंने यहाँ एक नई ईएमसी कनेक्ट करी है, चेक कर लेते हैं कौन सी कंपनी की ईएमसी है। सबसे पहले हमें चेक करना जरूरी है, ये है क्या है, KMQ, मतलब ये सैमसंग कंपनी की ईएमसी है। दोबारा इसका पार्ट नंबर मेंशन कर लेते हैं हम लोग,
KMQ310013 MB419 ठीक है। ईएमसी रिपेयर करने से पहले हमें क्या करना है, उसकी डंप और ईएफएस का बैकअप लेना कंपलसरी है। जब तक हमारे पास उसका डंप का बैकअप नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए अभी डंप का बैकअप नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ईएमसी सर्विसेज पे जाते हैं, फिर ईएमसी फर्मवेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से पहले चेक करते हैं हमारा जो पार्ट नंबर है KMQ310013M, यही है। नहीं करना है तो आप यहाँ से, जैसे मैं रीड ईएमसी फर्मवेयर करके बता रहा हूँ आपको, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं Q31MB। सेव करते हैं, चेक करते हैं ये फर्मवेयर इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्मवेयर क्या हो गया, रीडिंग फर्मवेयर प्लीज वेट, ठीक है डन। तो आप क्या करेंगे, जो हमने फर्मवेयर रीड किया है हम क्या करेंगे उसी को राइट कर देंगे दोबारा। तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, जो फर्मवेयर हमने एक्चुअल में रीड किया है हम उसको भी राइट कर सकते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, सॉरी फैक्ट्री फॉर्मेट नहीं करना है, ईएमसी फर्मवेयर पे जाना है। एक तो यहाँ पे ये आ गया जो इनके सर्वर पे दिया हुआ है अभी, एक वो फाइल है जो हमने रीड करी। आप दोनों में से जिस फाइल को आप फ्लैश करना चाहो वो कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं। तो मैं राइट ईएमसी फर्मवेयर फ्रॉम फाइल कर देता हूँ, जो मैंने बैकअप लिया है मैं उसी फाइल को कर दूंगा। तो ये हमारा Q313MB, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और क्या करते हैं हम लोग इसको फ्लैश कर देते हैं, ठीक है डन। यहाँ पे देखिए पहले जब मैंने डिटेक्ट किया था तो इसका जो आरपीएम भी है वो नॉट क्लीन है, वो भी चीज मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी काउंटर ऑफ सक्सेसफुल डेटा राइट रिक्वेस्ट इज 0 टाइम। अब क्या है, ये डन हो गई है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसके आरपीएम भी सेक्शन को कि अब ये क्लीन हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम, मतलब कि जो हमारी ईएमसी की जो हेल्थ है वो क्या है एक्चुअल में रिपेयर हो गई है। तो अब हमें बार बार इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम सैमसंग कंपनी की ईएमसी की आरपीएम भी और हेल्थ को रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हेल्थ रिपेयर करने से पहले चाहे वो सैमसंग कंपनी की हो, चाहे स्काइनिक्स हो, चाहे तोशिबा हो, चाहे माइक्रोन हो, हमेशा ये याद रखना है कि हमें जब भी बैकअप लेना है तो नॉर्मली डंप और ईएफएस का बैकअप लेना कंपलसरी। तब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जितने भी हमारे लेटेस्ट मोबाइल फोन्स हैं हम उनको किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अनलॉकिंग करने के लिए क्या करना है, जैसे हमें फैक्ट्री रिपेयर के ऊपर जाना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रीसेट ऑप्शंस, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रीसेट एफआरपी, यूनिवर्सल है, आप किसी भी मोबाइल फोन की एफआरपी को रीसेट कर सकते हो। रीसेट वीवो, वीवो के जितने भी मोबाइल फोन हैं उसको रीसेट कर सकते हो। रीसेट ओप्पो, ओप्पो के मोबाइल फोन से उसको रीसेट कर सकते हो। उसके बाद क्लोज। लेकिन यहाँ पे एमआई के मोबाइल फोन तो आए ही नहीं जो सबसे ज्यादा आते हैं एमआई अकाउंट की प्रॉब्लम्स के अंदर। तो उसके अंदर क्या करना है आपको, जस्ट जैसे यहाँ पे मैं पार्टीशन मैनेजर पे क्लिक करता हूँ ना, रीड फ्रॉम डिवाइस करते हो, तो यहाँ पे क्या उसकी पार्टीशन अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्लीन कर दिया। इसके अंदर से हमें दो पार्टीशन को डिलीट करना होता है, ठीक है। कौन कौन से पार्टीशन को डिलीट करना है, किसके लिए डिलीट करना है, सबसे पहले बात अगर हमें शाओमी के अंदर से क्या करना है, एम आई अकाउंट हटाना है, तो हमें प्रसिस्ट और प्रसिस्ट बैक वाली फाइल को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद स्टॉक फर्मवेयर में से फाइल को सिलेक्ट करना है, फाइल सिलेक्ट करना है, फिर फ्लैश कर देना है, ठीक है। याद रखना है प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड बैक दो फाइल्स हमें क्या करना है, हमारी ईएमसी के अंदर से इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद स्टॉक फर्मवेयर में से इन्हीं दोनों फाइल को दोबारा फ्लैश कर देना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे, यहाँ पे आपको फाइल देखने को मिलेगी, डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर करते हैं कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं पार्टीशन मैनेजर, यहाँ पे जो भी पार्टीशन होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी ये है, ठीक है, ये दो फाइल्स होगी प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट,
प्रशिष्ट और प्रशिष्ट वन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है एक्चुअल में, क्यों? क्योंकि ये दूसरे मोबाइल फोन की है। यहाँ पे दिख रहा है इरेज पार्टीशन, जस्ट इस पे क्लिक कर देना, दोनों पार्टीशन इरेज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है क्लिक टू ओपन फाइल, पे क्लिक करोगे, इसके बाद जो आपकी फाइल है, कौन सी फाइल? नॉर्मली जो हमारी फर्मवेयर फ्लैश फाइल के अंदर जो फाइल्स है, उन दोनों फाइल को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और उसको ओपन करके हमें क्या करना है, यहाँ से जस्ट राइट कर देना है, लेकिन ओनली दोनों ही पार्टीशन को करना है, ठीक है? जंपर करते समय याद रखना है कि हमें हमेशा शॉर्ट जंपर करना, ज्यादा लंबे जंपर्स नहीं करने। ज्यादा लंबे जंपर करने से क्या होता है कि कनेक्टिविटी इश्यू आता है, प्रॉब्लम बार बार स्टिल वही रहती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि हम लेटेस्ट मोबाइल फोन की फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं इसके साथ। जैसे बात करें ओप्पो A3s, ठीक है, या रियलमी, या और कोई भी मॉडल्स, मैं एक फाइल आपको गूगल से डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि हम उस फाइल को किस तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे टाइप करता हूँ ओप्पो A3s फ्लैश फाइल, ठीक है? मैं किसी भी साइट से डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे मैं रिपेयर माय मोबाइल से कर रहा हूँ, आप किसी भी साइट का यूज करके डाउनलोड कर सकते हो। फास्ट डाउनलोडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ IDM को, कॉपी लिंक एड्रेस, चेक कर लेते हैं IDM है क्या इसके अंदर, डाउनलोड कर लेते हैं, IDM नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल, क्योंकि तो यहाँ से क्या है, मैं स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो मिलती है। देखो यहाँ पे कितनी स्पीड मिल रही है, 300 300 KB, लेकिन हम IDM का यूज करेंगे तो फास्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी स्पीड कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड होते होते एरर्स दे देती है, करप्ट हो जाती है, ठीक है? लेकिन IDM के अंदर क्या होगा कि अगर बाई चांस 50% या 30% के बाद जो स्ट्रक भी हो जाता है, इंटरनेट चला जाता है, आपका लाइट चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप जब दोबारा रीस्टार्ट करोगे ना, तो आप वहीं से इसको रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कॉपी लिंक एड्रेस, IDM ओपन करते हैं, क्लोज, एड URL, और यहाँ से ओके कर देते हैं, स्टार्ट डाउनलोड, ये हमारी फाइल डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, जो ये फाइल है इसको कर देते हैं हम यहाँ से पॉज, डाउनलोड होने देते हैं, अप्रॉक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ आपको अभी, ये क्या हमारी फाइल्स डाउनलोड हो रही है। अभी मैं बताऊंगा कि जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं ओप्पो और रियलमी के अंदर, उनके अंदर फाइल्स क्या होती है, OFP फॉर्मेट में आती है। तो जब भी हम OFP फॉर्मेट में आती है, तो हम किसी भी बॉक्स या टूल का यूज करते हैं, तो वो उस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस फाइल को एक्सेप्ट कौन सा करेगा? अगर वो मीडिया टेक है तो हमें स्कैटर फाइल चाहिए होगी, अगर वो क्वालकॉम है तो हमें दो फाइल चाहिए होती है, रॉ प्रोग्राम और पैच जीरो, ठीक है? फाइल को एक बार डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर चेक करते हैं। तो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है, हम जस्ट इसको ओपन फोल्डर कर लेते हैं। नॉर्मली हमें पता है जो भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं, हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है, तो 7 जिप पे क्लिक करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब हम इसकी फाइल्स को चेक करेंगे, तो हमें इसके अंदर एक फाइल मिलती है OFP, ठीक है? जस्ट एक्सट्रैक्ट हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सट्रैक्ट होने में ये, ठीक है? फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है, क्या हमें इसे री एक्सट्रैक्ट करना है? तो जी हाँ करना है, क्यों? क्योंकि ये अभी भी जिप फॉर्मेट में, ये देखो कंप्रेस में है ना, मतलब क्या, हमें दोबारा एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है, फिर 7 जिप और एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए एक फाइल है आपका OFP, अभी देखिए जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें एक फाइल मिलेगी OFP। हम लोग क्या करेंगे, इसी फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करना है, कि हमें पता है ओप्पो A3s क्या है, क्वालकॉम बेस्ड डिवाइस है, और क्वालकॉम मोबाइल फोन को हमें फ्लैश करना है, तो हमें हमारे पास रॉ प्रोग्राम पैच ये दो फाइल्स होना जरूरी है, ठीक है? लेकिन जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसी कोई भी फाइल्स हमें देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे देखिए हमें कोई भी ऐसी फाइल देखने को नहीं मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है, इस OFP फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है अपने डोंगल या टूल के अंदर यूज करने के लिए, ठीक है?
तो सबसे पहले जाते हैं अपने स्टूल के अंदर, फैक्ट्री रिपेयर, अनपैक ओएफपी दिख रहा है, क्लिक करना है। यहाँ से सिलेक्ट ओएफपी फाइल, जहाँ पे भी आपकी ओएफपी फाइल है उस फाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी ओएफपी फाइल है डाउनलोड कंप्रेस CPS 18.0, ये है वही हमारी ओएफपी। सिलेक्ट डिक्रिप्ट, आपको किसके अंदर इसको डिक्रिप्ट करना, तो मैं इसी के अंदर कर लेता हूँ, या आप चाहो तो किसी अदर फोल्डर के अंदर भी कर लेते हो। मैं लिख देता हूँ एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्टिंग होनी होगी स्टार्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो ये हमारी फाइल देखिए फिनिश्ड हो गई। चेक कर लेते हैं अपने फोल्डर के अंदर क्या ये फाइल एक्सट्रैक्ट हुई। तो डाउनलोड्स, हमने कंप्रेस के नाम पे एक फोल्डर बनाया था, चेक करते हैं CPS 18.03 एक्सट्रैक्टेड, इसके अंदर हमारी फाइल होनी चाहिए। सबसे पहले रॉ प्रोग्राम वाली फाइल्स को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गई हमारी रॉ प्रोग्राम और पैच जीरो। तो अब हम इस फाइल को हम फ्लैश कर सकते हैं नॉर्मली अपने मोबाइल फोन को डेड बूट से रिकवर करने के लिए। फिर इस पर क्लोज करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रिपेयर डिवाइस बेस्ड ऑन क्वालकॉम, क्लिक करते हैं ओपन एक्सटर्नल फाइल या ओपन पैच फाइल। तो राइट क्लिक, यहाँ पे दिख रहा है पैच जीरो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, फाइल्स आपको डिस्प्ले करेगा, दिख रहा है। यहाँ पे अभी फाइल डिस्प्ले नहीं किया था, मैं ओपन एक्सएमएल करता हूँ और यहाँ से रो प्रोग्राम जीरो वाली फाइल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं रो प्रोग्राम जीरो फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ये सारी फाइल्स मुझे देखने को मिल रही है। ओपन पैच फाइल, तो यहाँ से अगर मैं पैच करता हूँ तो यहाँ पे पैच जीरो करूंगा तो उसके भी जो पार्टीशन वाली फाइल्स है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, जस्ट हमें राइट पार्टीशन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम राइट पार्टीशन पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल फोन के अंदर फ्लैशिंग हो जाएगी। अब एक ये क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मली जब भी हम लोग डम फाइल राइट करते हैं तो क्या हमें फ्लैश करना जरूरी है? अगर आप डम फाइल राइट करने के बाद एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, क्या किया आपने, डम फाइल राइट कर दिया, EFS फाइल राइट कर दी और यहाँ पे एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आपको फ्लैश करना जरूरी नहीं है। अगर एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो आपको फ्लैश करना कंपलसरी है। तो इसी के साथ हमारा EMC का चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे UFS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।